हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप लोग का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोग को एक शानदार तरीका, शानदार ट्रिक बताने वाला हूं गाइस, जो कि दोस्तों कट पत्ता गेम में या थ्री पत्ती गेम में गाइस इसको आजमा कर जीत सकते हैं, खेल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबा कर ऑन कर लीजिए। और बगल में घंटे का सिंबल आता है, घंटी का सिंबल, उसको भी दबा कर ऑन कर लीजिए, क्योंकि गाइस अगर आगे आने वाले मेरी वीडियो को सबसे पहले आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो का अगर शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ, डेमो के बाद इसका ट्यूटोरियल बताऊँगा। तो देखो भाई, सबसे पहले होता है कि अगर साधारण सा आदमी, नॉर्मल बंदा जो है इसके बारे में वो नहीं जानता या पहली बार खेलने जाते हैं छठ, दीपावली या किसी भी शुभ अवसर पे, तो गाई वो या तो गाई 50-50 चांस होता है या जीतते हैं या हारते हैं। तो यहाँ पर देखो गाई, मैं कट पत्ता की है जो गेम है गाई, मैं देखो अभी बता रहा हूँ डेमो, इसके बाद इसको मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो चौका कटा है, तो ये 50-50 चांस है कि 50% अंदर है, 50% ही बाहर होता है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि किधर जा रहा है। तो ये देखेगा, ये 50% था तो ये बाहर में चला गया है। तो ये था गाइस डेमो ट्रिक, डेमो तरीका कि जो जाते हैं साधारण लोग ऐसे खेलते हैं, या तो वो जीतते हैं या तो हार जाते हैं। अगर गाइस आपको 100% जीतना है तो इधर देखो, इसमें मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें ट्रिक लगाना कैसे है। तो गाइस ट्रिक थोड़ा सा हट के अलग है, जो देखो गाइस मैं एक बार इसमें आपको डेमो दिखा रहा हूं, डेमो के बाद अब मैं इसका ट्यूटोरियल समझा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो गाइस, अगर जो कार्ड भाई आपको मुझे कार्ड पे ही करना है आपको, जैसे कि मान एक ताश कर दीजिए, जैसे कि आप लोग न्यू से नया कार्ड लेने जाते हैं, इसमें जो पैकिंग आता है इस कार्ड को गई, ये जो पैकिंग है तो उसी समय आपको ए लेकर के इसमें आपको ठीक कर देना है। तो मैं क्या करना बताने वाला हूँ आप लोग, मैं आपको बता दें सब पहले। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं इसमें चार पत्ती कोई निकाल ले रहा हूँ, जैसे कि चार पत्ती इसमें से मैं मान के चलो ये नहला का चार पत्ते में निकाल दे रहा हूँ सबसे पहले बाहर। ये गाइस आपको एक जब करना है, जबकि ये पत्ता जब आप नया कार्ड लाएंगे तब करना है आपको, इतना याद रखना गाइस। इसको जब नया लेकर आएंगे घर पे, उसी समय इसको इस ट्रिक को अपने घर पे ही आजमा कर रख लेना है। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये चारों नहला मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। और आप लोग देखना, जैसे कि मान ली कभी जाते हैं खेलने, तो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ में खेलने जाते होंगे, इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए गाइस, चारों नहला मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि देखिए एक लेना है नया सब ब्लेड, यहाँ पर देखो एक ब्लेड लेना है। तो इसको लेने के बाद इसको मैं थोड़ा निकाल ले रहा हूँ बाहर में, ये देखिए नया ब्लेड है, तो मैं इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद देखो सभी सारे पत्ती में एक थोड़ा सा हल्का सा चिन्ह बनाना है, जैसे क्या करना है आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है इस जगह का जो कोना पर है इसी जगह, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। मैं इसको इस थोड़ा हल्के से इसको इस कार्ड का चिन्ह है इसको मैं खुरच रहा हूँ। देखो गाइस यहाँ पर देखिए एक एक थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको खुरच दिया ऐसे। गाइस देखें यहाँ पर एक कोना है, तो यहाँ पर देखो इसको मैं हल्का सा निकाल दिया, जैसे कि मैं इसको पकड़ लूँ ऐसा, इस साइड भी करना है और इस साइड दोनों तरफ करना है, जैसे कि आप लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो इसको देखो, इसको भी इस साइड में मैं कर दे रहा हूँ, जैसे कि तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब पत्ती फेटेंगे तो आपके पता नहीं चलेगा। देखो मैं यहाँ से इसको बना दिया हूँ इस तरह से, तो मैं सारे पत्ती में करके आपको वीडियो फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं चारों पत्ती में यहाँ पर कर चुका हूँ, तो आपको इतना सा ही करना है। जैसे कि देखो, आप जैसे नया पत्ती लाएंगे, नया कार्ड लेकर आएंगे, तो उसी से आपको घर पर गई चार पत्ती जो छांट के अपने से निकाल लेना है। और उसी में गई यहाँ पर देख सको, मैं कोना हल्का हल्का मैं इसको यहाँ पर देख सकता हूँ, ये जो एक कोना है यहाँ पर पूरा यहाँ मैं हल्का सा इसको निकाल दिया, जिससे कि मैं इसको आसानी से इसको पकड़ सकता हूँ कि ये मेरा नहला है। तो यहाँ पर मेरा ट्रिक लग चुका है, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रिक लगा, तो अब यहाँ पर मैं इस ब्लेड को यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि इससे मेरा काम हो चुका। और आप लोग को याद रखना है कि मैं इसमें से कौन सा पत्ती को लगाए हैं, तो इसको और जैसे कि ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए गाइस,
ये ऊपर नीचे हो गया। अब जैसे कि मैं इसको फेर दे रहा हूँ, अब आप लोग करना कैसे, जैसे कि मान लीजिए अब आप आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है, उसको साथ में लेके जाना है। जैसे कि जाएंगे तो अब उसको कैसे आप पत्ती को कैसे अंदर भाग काट कर जीतना है, आप मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। अब पत्ती को इस तरह से इसको यहाँ फेर सकते हैं। फेंटने के बाद उसको बस सामने वाले को बोलना है, अगर आप दोनों ये दोनों इस आपको आपका दोस्त है तो दोनों आप लोग इसमें मिले हुए हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मान ली ये पत्ती फेंट कर आपने ऐसे दे दिया, जैसे कि मान ली अपने दोस्त को ये पत्ती फेंट कर दे दिया, तो इसको मान ली नीचे कर सकते हैं कहीं पर भी ऊपर नीचे। जैसे कि मान लो ये मान ली अपने फेंट कर दे दिया, तो आपको फ्रेंड को बोलना है कि ये पत्ती इसमें से ये काट ले, कहीं से भी कोई से भी पत्ती वो काट सकता है, इसमें कोई उसको नहीं है। तो देखो गाइस यहाँ पर जैसे कि मान ली एक पत्ती आपको उसको फेंट कर दे देना है, तो जैसे कि मान ली वो सामने वाला है तो वो यहाँ से काट लेगा पत्ती, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ से देखो, जैसे कि यहाँ से एक पत्ती है, एक पत्ती काट कर रख दिया है ऐसे इस तरह से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि मान लो ये आपके दोनों दोस्त, जैसे दो लोग हो आप लोग, ठीक है, आपका दोस्त और आप लोग जैसे मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्ती मैं इसको पलट रहा हूँ और यहाँ पर देखें ये नाला है। तो आप लोग यहाँ पर दोनों लोग मिल के खेल रहे हैं, जैसे कि ये जैसे आप लोग खेलोगे तो ये पत्ती आपका 100% अंदर आएगा, यहाँ पर देखोगे ये मैं मेरा नाला है। तो अगर दोनों लोग जैसे मिल के वो पत्ती का सामने वाला अगर नहा जाता है तो वो जीतता है। जैसे कि मान ली आपने यहाँ पर 500 रुपये माना और भी 500 माना, और सारे बगल में जो खेलने वाले होते हैं वो लोग भी पैसे बढ़ा के मानते हैं कि मेरा 500 हो गया, मेरा 500, मेरे यहाँ ऐसे खेलते हैं। अगर आप लोग यहाँ ऐसे खेलते होंगे तो आपको इसको अपने में इम्प्लीमेंट करके इस गेम को सीखना है। तो जैसे कि मान ली आपका दोस्त मान ली हार गया तो यहाँ पर आप जीत रहे हो, तो जैसे और भी जो बाकी लोग यहाँ पर हैं वो भी तो पैसा इसमें लगाते हैं, वो भी इसमें एक खेल के गई उन लोगों से गेम जीत सकते हैं। या तो अपने दोस्त के अंदर कंप्रोमाइज़ कर लेना है, जैसे कि मान लो तुम्हारे मान ली ये तो आपके ऊपर होगी पत्ती अंदर या बाहर कहीं पर भी गिरा सकते हैं स्टिक से गई, तो आसानी से स्टिक को गेम को करके जीत सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया। तो इसको आसानी से अब मैं आपको बता दी, जैसे कि आपको कार्ड नया कार्ड लेकर आना है, उस कार्ड को गई यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाया था, जैसे जो मैं चिन्ह बनाया था यहाँ पर देखो ये नाला मैं पकड़ लिया कि ये देखो नाला, इसी से मैं हल्का सा बस यहाँ पर चिन्ह लगा और इतने पत्ती में वो नहीं पकड़ पाएगा, कि आप नया पत्ती अगर नया कार्ड लेकर जाएंगे तो वो एकदम से नहीं पकड़ पाएगा, बस जानेंगे सिर्फ अपने आपका आप और आपका फ्रेंड इस तरह से गेम को खेलते हैं करते हैं स्टिक को करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा में शेयर कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि गाइस आप लोग के लिए ऐसा नया नया ट्रिक खोज कर लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग के जो एक लाइक करता हूँ और मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोग के लिए ऐसे नया नया वीडियो लेकर आने के लिए, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।